यहाँ कोई अमिताभ की शूटिंग चल रही क्या? फोन हो गया, चलो भागो यहाँ से। अरे गाँव के सरदार आए। सॉरी सर। हाँ नीचे करो भाई, पूछताछ के बहाने मुझे अंदर ले चलो। सर क्यों भाई, इसी गांव के हो? हाँ सर। तेरा नाम? आलोक। तेरा? रणवीर जी। तुम लोगों से मुझे पूछताछ करनी, आओ मेरे साथ। पब्लिक के सामने मुझे सलूट मत किया करो, कितनी बार समझाया तुम्हें, बाल काट के मूंछों पर ताव देकर इस तरह यूनिफॉर्म पहन के जीप से उतरोगे तो दोषी शौक नहीं होगा तो क्या करेगा फूल? पब्लिक तुमसे कैसे कोऑपरेट करेगी? दूर खड़े होकर पुलिस वालों की तरह चिल्लाओगे तो क्या पता चलेगा? सर डीसीपी आए, आइए। भैंसों को भगा भगा कर यहाँ तक लाया गया सर, लेकिन इस अंधेरी कोठरी में क्यों लाया गया पता नहीं चल पा रहा है सर। सारी रात ये सारे भैंसे डर के मारे अंदर ही अंदर घूमते रहे। सुबह होने पर ये यहाँ के मजदूर लोगों ने इनकी आवाज़ सुन के भैंसों को बाहर निकाल लिया और बॉडी देख कर फिर हमें खबर की। बॉडी कहाँ है? कार में सर। ये क्या सर, इसका तो कीमा बना दिया है। अपनी पूरी सर्विस में ऐसा भयानक खून मैंने कभी नहीं देखा सर। इसी बात को और कितने साल दोहराओगे? सॉरी, पुलिस के कुत्ते के लिए बढ़िया खाना है। वो भी नहीं खाएगा। खूनी कोई मामूली आदमी नहीं है, उसका इरादा बिल्कुल अलग है। ये आप कैसे कह सकते हैं? चाकू से मार सकता था वो, इस कार के नीचे कुचलवा सकता था वो, लेकिन क्यों यहाँ भैंसों से कुचलवा कर मारा उसने? मैं बताऊं सर, क्योंकि भैंसों को अरेस्ट नहीं कर सकते। सॉरी, थोड़ा सीरियस हो जाओ। सर सबूत कुछ ना मिल जाए इसलिए इस प्रकार मारा होगा। तब उसने कार में बॉडी क्यों डाली? हमें कंफ्यूज करने के लिए। हम क्यों कंफ्यूज होंगे सर? जनाब हम जो तनख्वाह लेते हैं उसके लिए थोड़ा काम तो करना चाहिए। सॉरी। अंधकूपम मुझे बहुत डेंजरस लगता है, तुरंत पकड़ना होगा वरना ये फिर से होने वाला है। अरे भैया जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन आना होगा। जरूर साहब। और तुम्हें भी छोटे उस्ताद। जी हुजूर। अंधकूप का मतलब क्या होगा जरा बताओ चारी। परम पदम सुना है सर मैंने, कम्बी पदम भी सुना है मैंने, गुलाब जामुन शक्कर पाक ये तो सभी जानते हैं सर, लेकिन ये अंधकूपम मुझे लगता है कोई मिठाई का कोट वर्ड है सर। हमेशा खाने की बात। देखो मुझे तो ये भाषा अजीब लगती है। तब तो ये जरूर कोई हिंदी फिल्मी गाने का मुखड़ा हो सकता है सर। अंधकूपम रूप पदम कमल पदम प्यार दो। चारी सॉरी, मुझे तो ये भाषा कुछ कंफ्यूज कर। कंफ्यूज कैसे हो गए? अंधकूप का मतलब यानी छह अक्षर। सोचो छह अक्षर से मौत वाला कुआं, सीढ़ी के अंदर 1+5=4 नहीं 3×2=6, ये कॉम्बिनेशन तो कुछ अजीब लग रहे हैं। अदम पदम अंगू पदम कदम 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 पदम रकम पदम मदम पदम रकम रकम धर्म पदम पुष्प पदम, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके गुमराह किया है उसने। बस कीजिए बॉस, ये कोई मामूली खून नहीं है, इससे स्टेटमेंट, वो दुनिया को कुछ बताना चाहता है। अम्बी तुम त्रिवैया और कीर्तन में चल रहे हो ना? नहीं पिताजी, उस केबल वायर फैक्ट्री केस के मामले में मुझे बहुत काम करना है। अम्बी क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं भाई। कुछ नहीं तो फिर बॉक्स क्यों बंद करके उसको क्यों सीट बनाकर बैठे? हटो, ये पर्सनल है। ये क्या पर्सनल है? मैं इसे पर्सनल नहीं मानता क्योंकि छुपा के दिल में बसाना क्राइम है। हट चल चल हट 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 हट। क्या कर रहा है? अरे चल उसे मत खोल, उसे मत खोल। ये क्या कर रहा है तू? नंदिनी तुमने प्यार का इजहार किया कि नहीं? बोलूं तो गलत होगा, ना बोलूं तो भी गलत। मैं तो मुश्किल में पड़ गया हूं चावी। कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। शेह बोलना चाहिए प्यार है, एटलीस्ट तुम्हें कोई इशारा तो करना चाहिए ना। चल आंख मार। खूब। अरे ऐसे नहीं, छमियों को देख के जैसे आंख मारते ना वैसे चल एक बार आंख मार। ऐसे नहीं, दोनों आंखों से नहीं एक आंख से, ऐसे टेनने से मार। बेकार, सब बेकार है। इससे तो कैस्टो मुखर्जी भी बेहतर मारता था। अब पुरानी हो तुम तो बिल्कुल अनाड़ी हो यार। छोड़ना यार। अच्छा छोड़ो, मैं सब संभाल लूंगा। चलो तिरुआ यार प्रोग्राम में। मैं नहीं जाऊंगा। नंदिनी भी जा रही है, चलोगे? तो मैं हूँ। नंदिनी तो बड़ा अच्छा गाती है। हाँ, हमारी नंदिनी को म्यूजिक एकेडमी में गाने का बहुत शौक है। काफी ट्राई भी किया हम लोगों ने, मगर वहाँ पर लोग बहुत सिफारिश लेके आते हैं। आपको जानता है कोई वहाँ? जानता होता तो मैं खुद ना गाता। तब मैं वहाँ से भाग जाता ना। नंदिनी खाना मत खाना। टीटी जी कोई भी खाना मत छूना प्लीज। ये खाना बनाया है, राइस देखो कैसा है, साग में बहुत नमक है, आलू तो उबले ही नहीं है, सांभर के नाम पर ये पीला पानी, रसम तो कमाल है, चाच को तो देखो बिल्कुल पानी, और अचार दही में मिक्स हो गया है, पापड़ भी बिल्कुल रुमाल जैसा है। एनी प्रॉब्लम? बोल रहे हैं खाना ठीक नहीं है। क्या साहब, टिकट खरीदा या नहीं वो चेक करते हो, फिर ये सब चेक क्यों नहीं करते? क्या आप खाओगे ऐसा खाना? बोलिए।
मैं तो घर का खाना खाता हूँ, वो भी अपने हाथों का बना हुआ। आज ये खा के देखिए ना, भूख लग रही है अम्बी। डोंट टच। देखिए एक थाली के 25 रुपए चार्ज करते हैं आप, तो उसके बराबर खाना तो दो, थोड़ी तो ईमानदारी दिखाओ। ये खाना तो 5 रुपए का भी नहीं है। मैं नहीं जानता सर, मैं तो सप्लायर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? बिलीपुर में मिलेगा वो, चौकस राम नाम है। टीटी जी, गाड़ी बिलीपुर पहुँचते ही आई वांट टू मीट दिस चौकस राम, इसे सुझाए बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बड़ी भूख लगी है अम्बी। नंदिनी समझा करो, मैं फाइट करके बिलीपुर में अच्छा खाना मंगवा के दूंगा। बिलीपुर कितने बजे पहुँचेगी? 1 बजे। भूखे मर जाए तो फिर ये खाना दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर दे दूं? उफ़ो, ऐसा मत कीजिए। तुम ले जाओ, we don't want your food। अम्बे, सब लोग यही खाना खा रहे हैं। सब लोग रिस्क ले रहे हैं नंदिनी, ये खाना 2 दिन खाएंगे तो सबको गैस हो जाएगी, अल्सर हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, ये लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अम्बी, इनका क्या होगा जो डट के खाते हैं? ए चुप कर, इसको छोड़ो बेटी, तुम चिंता मत करो। रुको, मैं केले साथ लेकर चली हूँ, लो। अरे माँ, कितनी बार कहा है कि गला हुआ फल मत खरीदा करो। अरे इतने छोटे छोटे जम्स होते हैं जो हमें कभी नजर ही नहीं आते। चुप करो, ये लो बेटी। एटलीस्ट कोने से काट कर तो दो। ए! जॉनी वॉकर की तरह एक केले को लेकर हंगामा मत करो, तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ आओ। अब ऐसे ही बिहेव करते रहोगे तो वो भाई भी नहीं बनाएगी तुम्हें। ये बात बर्दाश्त नहीं होगी चारी, सहन नहीं कर पाऊंगा। देखो, तांजोर पहुंचने से पहले तुम अपने प्यार का इजहार कर दो, बहुत हो चुका, फट से बोल दो आई लव यू। कैसे कहूँ, कहाँ कहूँ? मैं समझाता हूँ, वो सोने से पहले बाथरूम जरूर जाएगी, तुम वॉश बेसिन के पास उसका हाथ पकड़ लेना और हो सके तो प्यार से उसकी चुम्मी ले लेना। क्या मैं? नहीं तो क्या इसके लिए सलमान खान को बुलाऊंगा? मैं तू लेगा चुम्मी? चांसी नहीं है, उसे मैं झूठा नहीं करूँगा। भाग, बहुत हो गया, उसे वश में करने का रास्ता ढूंढो पहले। ऐसा मौका अगर मुझे मिला होता तो मैं कूपे बुक करके पूरी रात जाग के परिवार बना के बच्चों के साथ हाजिर हो जाता। कहाँ जा रही हो? बस पास बनवाने को। टॉयलेट जा रही हो? जस्ट अ मिनट। सॉरी। टीटी जी, अब मेरी जान लेगा जरूर। अंदर मत जाना। क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है? टॉयलेट क्लीन नहीं है, कितनी बदबू आ रही है। रेलवे टॉयलेट और कैसा होगा सर, रोज हजारों पैसेंजर टॉयलेट जाते हैं, वैसे आपका घर का टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट ट्रेन में भी घर जैसा साफ रखो, इतना पैसा वसूल करते हैं आप लोग तो टॉयलेट को भी एकदम साफ सुथरा क्यों नहीं रखते हो आप? अगले स्टेशन में इसको क्लीन करवा दूंगा, तब तक थोड़ा रोक लीजिए। ऐसा कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ओफो, मैं तो फेस वॉश करने को नहीं पता नंदिनी, अनक्लीन टॉयलेट्स में जाओगी या फेस वगैरह वॉश करोगी तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। देखो बच्ची ने गंदा भी किया हुआ है, देखो जरा, पानी भी नहीं है, जहाँ देखो वही टूटा हुआ है, नल भी खराब है, कहीं भी हाथ लगाओ तो रोक। कैसा रेलवे सिस्टम है ये? I must write to the authorities। तुरंत लिखिए जनाब। बोला क्या? हाँ बोला। हाँ। इस ट्रेन का बाथरूम कितना गंदा है ये बोला। अरे तो फिनाइल डाल के साफ क्यों नहीं किया? अरे रुक, क्या रे, तुम मुझसे प्यार करते हो बोल क्या हो, कहा तो टॉयलेट के बारे में लेक्चर दे के आए हो तुम। Excuse me। तू नहीं सुधरेगा। देखो मुझे नींद आ रही है, अब चलो सब सोते हैं। ग्लैमर मौसी आप यहीं रुकिए, जंबो मामी आप बगल में डबल बेड है, वहाँ जाके आराम से सो जाओ। चुप कर। ओ छोटे मामा, आप खर्राटे छोड़ दो, इसलिए बगल में जाके आराम से सो जाओ। अम्बी तू यहाँ जा, नंदिनी जी आप यहाँ जाओ, कल्ले मामा, किशन मामा आप यहीं रुको। अम्बी देखो बहुत हो गया है, समय है और वो भी ट्रेन में, आमने सामने बात। देखो प्यार करने का इससे बढ़िया मौका तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। रात में अचानक तुमको आंखें खोल के देखूंगा, दोनों मस्त होके बर्थ में एक साथ चिपक के सोना। गैस ट्रबल है क्या? वो चिल्ला की सोचा था, ये चिल्ला रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? फैन नहीं चलता। उंगली डालो, घुमाओ, खूब चलेगा। यूं उंगली डाल के घुमाने का इतना पैसा देते हैं रेलवे को? सर इस ट्रेन में 1400 लोग सफर कर रहे हैं, कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा है। आदि क्यों सर, हमेशा कोई ना कोई बात पर लफड़ा करते हैं, थोड़ा एडजस्ट करके जाइए प्लीज। इस प्रकार एडजस्ट कर लो बोल के देश की ये हालत कर दी आप लोगों ने। और क्या मैं बोलूं सर, रेलवे एक बड़ा नेटवर्क है, इंडिया में पूरे 15 जोन्स, 8 लाख लोग काम पर लगे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है, वो कहाँ रहता है, उसे ढूंढ कर पकड़ना मुश्किल है। हमने अगर पकड़ भी लिया तो वो कहेगा कि इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, दूसरे पर उंगली उठाएगा, नहीं तो बोलेगा कि मैं इसकी छानबीन करवाऊंगा और कहेगा सॉरी सर ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके लिए आप अपना सब काम छोड़ के महीनों तक क्या घूमते रहेंगे? बहुत बकबक करता है, इसे सोने को कहो यार। Yeah.
लव लेटर है। मैं कुछ मदद करूं? जरूरत नहीं, प्यार से रोमांटिक होना चाहिए। फिर से तू श्रीराम जयराम मत लिखना। मुझे मालूम है। ये क्या बड़ी लाइन वाइन बना के लिख रहा है? क्या तू पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम लिख रहा है? तुम्हारी शक्ल तो बताती जैसे कोई ऐसे लिख रहे हो। ए, कुछ भी लिखने के बाद मुझे एक बार जरूर दिखाना। Don't worry, I will never make a mistake. वो तो लग ही रहा है। तो गया। क्या बात है आपकी? अरे ये क्या? अच्छा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अपने मन से, अपने तन से, दिल की बात आपके सम्मुख रखता हूँ मैं रामानुज। अस्मी ओम। लीजिए मौसी। इसको बोला था बछड़े को देना, पर ये तो गाय को दे रहा है। ये क्या है? लव लेटर। ये क्या अम्बी, लव लेटर? नंदिनी को दे देना आप। नंदिनी को? किसने तुम्हें दिया? मैं ही दे रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? लव लेटर भला कोई पेरेंट्स को देता है? देखिए मुझे आपके थ्रू जाने में नैतिकता लगती है। लव लेटर लिखना दरअसल बुरी बात है, माता पिता के हाथ में दो तो सब उचित है। अरे वाह बेटा, उचित प्यारे। मुनासिब लगे तो आप ये नंदिनी को दे देना, अगर आपको गलत लगे तो लव लेटर फाड़ देना। अच्छे ख्याल है बेटे। इसे हम नंदिनी तक जरूर पहुँचाएंगे। तुम्हारे माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी है तुम्हें, मान मर्यादा अच्छे संस्कार है तुम में। तुमको हमारे घर का दामाद बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ए, जल्दी करो भाई, गाड़ी आने वाली है। अस्थि खाने तैयार है ना? साहब चावल थोड़े कच्चे हैं, फिर से बना दूं? कच्चे क्यों रह गए? बड़े बेकार चावल है साहब। फ्लाइट में सप्लाई करना है, बासमती चावल परोसेंगे। थोड़े कच्चे हैं तो क्या सबको फेंक दूं? इस पर ऐसे भेज दो। तेरा क्या हाल है? वो साहब सांबर में चिपकली गिर गई है। शर्म नहीं आती तुमको? सांबर में चिपकली गिरने तक तो कुछ नहीं कर रहा था। चिपकली गिरी बाहर फेंको। इतने बड़े बर्तन में 2 इंच की चिपकली गिर गई तो कोई नहीं मरेगा। हम क्या यहाँ वुडलैंड्स होटल चला रहे हैं? जो रेगुलर कस्टमर्स हमारे आने बंद हो जाएंगे। यहाँ तो भैया साल में 2-4 बार ही कोई ट्रेन में आता जाता है, क्या उनके लिए फिर से बना के नुकसान उठाएंगे? इसी तरह भेज दो, किसी को पता नहीं चलेगा, हमें कौन पूछेगा। आप फर्स्ट एसी में रेलवे मिनिस्टर ट्रेवल कर रहे हैं, सुपरिटेंडेंट ने बताया। उनको ये खाना मत भेजना, चिकन फ्राइड राइस और नूडल्स भेजना, शराब भी पियेंगे शायद, काजू फ्राई करके चिकन 65 भी भेजना। अरे कौन है तू, सीधे अंदर कैसे आ गए? क्या है, क्या है? सबको बाहर जाने को बोल। आपको पैसे चाहिए तो बताओ ना, क्या किडनैप करोगे? बाहर जाने को बोल। ए वेंकटेश, मुन्ना भाई, केवल, गणेश, सब लोग बाहर जाओ। ए विजिलेंस के लोग आए हैं, मेरे बुलाने तक कोई नहीं आएगा, समझे? बाहर जाओ। That's better. क्या चाहिए बताओ तो सही। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मरने से पहले तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरी हालत ही क्या है। ये सब मुझ पे क्यों लगा रहे हो? रेलवे मिनिस्टर के लिए चिकन 65। अपना नाम बता। चौकस राव। तेरा चिकन 65 बनाता क्यों? मैं अच्छा खाना यात्रियों को क्यों नहीं देता? 25 रुपए लेता है थाली खाने की और देता कुछ भी नहीं, पूरा फायदा उठाता है क्यों? क्यों मैं? बिजनेस में 2-4 रुपए इधर उधर तो करने पड़ते हैं ना, ये तो सभी करते हैं, छोटी सी बात पे जान लोगे? ये छोटी सी बात है बोलकर बचना चाहता है, 5 पैसे चुराना गलत है ना? बड़ी गलती तो नहीं है? 5 करोड़ बार 5 पैसे चुराना बहुत बड़ी गलती लगती है। 5 करोड़ लोग 5 करोड़ बार 5-5 पैसे चुराए तो ये तो भयानक गलती होगी। वही तो यहाँ चल रहा है चौकस। तुमने आज तक कितने ट्रेन में कितने लोगों को बेकार खाना खिलाया होगा, तुझे मरना होगा। देखो मेरा बैकग्राउंड शायद तुम नहीं जानते, RPF को बुलाऊंगा तो तुमको गोली मार देंगे।
कृष्णा जी। हाँ बोलिए। त्यागराज कीर्तन समाप्त हो गए और कुछ लोग चले भी गए, आप कब निकलेंगे? हनुमान भजन के साथ उत्सव समाप्त होगा। वैसे आज होने वाले गीता मुक्ति भजन के बाद निकलेंगे, मेरी बेटी कह रही थी। आंटी, अम्बी ने जो आपको लेटर दिया था उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया, पूछ रहा है। ये सब क्या है मम्मी, मैं तो भूल ही गई नंदिनी, अम्बी ने तुम्हें ये लेटर देने के लिए मुझे दिया था। कैसा लेटर? लव लेटर बेटी। ये सब क्या है? ब्यूटीफुल फैमिली है। क्या कुछ खास लिखा है अम्बी ने? तुम ही पढ़ो। लिखने वाला रामानुज, ब्रैकेट में अम्बी, मेरे प्यार को अपना लो, ये मेरी विनती है। तुमसे प्यार करने का हक, विथ योर परमिशन। परमिशन? आपके दिल में प्यार के लिए जगह खाली है, मैंने सुना है। उस दिल में अम्बी यानी मुझे थोड़ी जगह दे दो, मैं विनती करता हूँ। इस लेटर के साथ मैंने अपनी पढ़ाई और क्वालिफिकेशन सब कुछ विस्तार में लिख के भेजा है। अगर आप मुझे अपनाओगी तो मैं आपका अच्छा पति, प्राणनाथ बन के आखिरी सांस तक आपकी रक्षा करूँगा और बड़ी मेहनत करके आपको खुश रखूँगा, कसम खाता हूँ। बॉडी स्ट्रक्चर, छाती की चौड़ाई है 44 इंच, छाती की लंबाई है 40 इंच, कमाई का विस्तार, नौकरी के हिसाब से ठीक ठाक कमा लेता हूँ, इंस्टॉलमेंट पे मैंने LG रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह खरीद रखा है, जिस घर में हम रहते हैं वो अपना है, हर शाम को मैं संध्या पूजन करता हूँ, रोज दिन में 3 बार ब्रश करता हूँ, लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल करता हूँ, डेली 45 मिनट बीच पर व्यायाम करता हूँ। तुम जैसे सुनामी में क्यों नहीं बह गए? सॉरी नंदिनी, इसको सुधारना नामुमकिन है। पागल ने लव लेटर को दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट में किसी नौकरी के लिए अप्लाई करने जैसा लिखा है। He is sincere, but तुम्हारे पास पेन है? मेरे पास एक ही है। जरा देखो, जैसे कुछ खास बात लिख के भेजी है, सोच के मुंशी प्रेमचंद जैसे टहल रहा है। इसे अपने फ्रेंड को दे दो। क्या बोली? लो खुद ही पढ़ लो। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, मुझे खेद है। मौसी, नंदिनी के साथ 2 मिनट बात करने की परमिशन दोगी मुझे प्लीज? परमिशन की क्या जरूरत है, तुम बात कर लो अम्बी। नंदिनी, मुझे रिजेक्ट क्यों किया? ये कोई लव लेटर है, इसे पढ़कर मुझे कुछ फील नहीं हुआ। क्यों नंदिनी, क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कमाता नहीं क्या? ऐसी कौन सी कमी है मुझमें? आपको देखकर मुझे कुछ होता ही नहीं। कोई भी बुरी आदत नहीं है मुझमें। सिगरेट मैं नहीं पीता, ड्रिंक्स मैं नहीं करता, किसी और लड़की को देखने की बात सपने में भी नहीं सोचता, तुमको मैंने कभी छुआ तक नहीं, तुम्हारी नजरों से हटकर कभी बात नहीं की मैंने। अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा नंदिनी। ओफो, आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ अम्बी, वो अलग बात है। प्यार का मतलब कोई अप्लाई करके पाता है या कोई रिक्वेस्ट करके पाता है या फिर छोड़ दो देखा जाएगा वाली बात नहीं है। प्यार अंदर से जागना चाहिए, वो आपको देख के फील ही नहीं होता। लेकिन क्यों फील नहीं होता? अब नहीं होता तो नहीं होता। मैं हर तरह से तुम्हारे लायक हूँ, फिर भी मुझसे प्यार क्यों नहीं है तुम्हें? इसकी कोई तो वजह होगी, बताओ ना नंदिनी। प्यार कैसे होगा, तुम हर बात पर रूल्स बताते हुए हर जगह झगड़ते रहते हो, तुम बस रिकॉर्डेड कैसेट हो जिसमें सब कुछ है, लॉगरिथम, टाइम टेबल, इंडेक्स, कैलकुलेटर, कंप्लेन बॉक्स, क्वेश्चन मार्क हो, तुमसे कोई भी लड़की कैसे प्यार कर सकती है? थैंक्स नंदिनी, समय समाप्त हो गया। रोना धोना बंद करो। फिंगरप्रिंट्स मिले क्या? Yes. फोटो? जी सर, फोटो निकाले। RPF से बात हो गई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना है हमें। बॉडी कहाँ है? तेल की कढ़ाई में। क्या?
सर, वही आदमी है सर, कबीम कुबाम, पूरे छह अक्षर, छह यानी पांच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक इज इक्वल टू 220, कबीम कुबाम, कुबाम कबीम, गुलाब जुलाब, रकीब हबीब, हबीब कबीब, सबीब इज इक्वल शट अप। साहब को इतने टेंशन में पहले कभी नहीं देखा। सर, जिनकी मौत हुई वो इनके बड़े भाई थे। बड़े भैया, माय गॉड। आई एम सॉरी सर। बंद करो।